इस वक्त मैं खड़ा हूँ ब्रैंडनबर्ग गेट के सामने। ये बर्लिन का सबसे फेमस और मोस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट लोकेशन है। कभी ये मोनूमेंट होता था, मोनूमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ जर्मनी, और आज यही मोनूमेंट है रिमाइंडर ऑफ द यूनिटी ऑफ जर्मनी एंड इट्स पीपल। इट्स सच एन आइकॉनिक प्लेस। यहाँ पे सेल्फी लेना इज़ लाइक ऑलमोस्ट एसेंशियल। आप अगर ब्रैंडनबर्ग गेट पे नहीं आते और यहाँ के आप सेल्फी नहीं लेते और कुछ वक्त नहीं बिताते, तो समझिए जैसे आपने बर्लिन देखा ही नहीं। दिस इज़ सो आइकॉनिक अ प्लेस और बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। रात को तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। हम लोगों ने इंडिया गेट तो अक्सर रात में देखा है, अभी मैंने सोचा कि आपको दिखाता हूँ ब्रैंडनबर्ग गेट, विच इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ जर्मनी एंड द पीपल ऑफ जर्मनी। एक वक्त ये फॉरबिडन था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दोनों के लोगों के लिए इस ब्रैंडनबर्ग गेट से गुजरना, लेकिन आज आप गुज़र सकते हैं क्योंकि जर्मनी इज़ नो लॉन्गर डिवाइडेड, जर्मनी इज़ यूनाइटेड, पीपल ऑफ जर्मनी आर यूनाइटेड, एंड हेंस यू कैन वॉक थ्रू द ब्रैंडनबर्ग गेट। आज वक्त बदल चुका है, लेकिन कभी इस गेट से गुज़रना नामुमकिन था। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी सबके लिए फॉरबिडन था क्योंकि जर्मनी यूनाइटेड नहीं था और ये मोनूमेंट जर्मनी के डिवीज़न का निशान था, लेकिन आज ये सिंबल है जर्मनी की यूनिटी का। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आई एम जस्ट वॉकिंग पास द ब्रैंडनबर्ग गेट बहुत आसानी के साथ। एनीबडी कैन वॉक पास्ट इट टुडे। द वर्ल्ड फेमस ब्रैंडनबर्ग गेट, लो एंड बिहोल्ड। Okay, give me any flashes out here. Okay.